कैसे क्या हो गया? माया की राशि पी लिया, आत्महत्या कर। क्यों क्यों? मेरे को लालबाग थाना का टी आई का नाम आशीर्वाद है और क्राइम ब्रांच वाले जो टीम है उनके साथ मनीष वर्मा, मनीष मिश्रा, कुलराम साहू, निवास सिंह राजपूत, सब मेरे को 10-12 बार मेरे को बुला लिए, आ जाके परेशान करते हैं। क्यों, किस मामले में बुलाते हैं? नौ दस महीने पर मर्डर हुआ था राजीव बिजल के पास, तो मर्डर को तू करा और तू कबूल कर ले। वर्मा बोला कि मैं करा ही नहीं, बोले हम तेरे ज़बरदस्ती कबूल कराएंगे, तेरे परिवार को पूरा प्रताड़ित करेंगे, तेरी माँ को, तेरी मिसेस को, तेरी भाजी को, तेरी पत्नी को, सबको बुलाएंगे, सबसे पूछताछ करेंगे, सबको बेइज्जत करेंगे। कभी मुँह में से बंदूक को डाल देते थे, कभी टिका देते थे, उसके बाद बोलते थे तू मर्डर करा, तेरे कबूल करना ही पड़ेगा। तो पुलिस वाले पूरे अधिकारी ऊपर तक की हमारी पहुँच है, क्या कर लेगा? बोले तू या तो जेल में रहेगा 20 साल या तो तेरा इनकाउंटर कर देंगे। सर, एक युवक द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया गया, पूरा मामला जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दिनेश महेश्वरी उस गोलू मारवाड़ी के द्वारा कीटनाशक सेवन कर किए जाने की जानकारी मिली है। जिला अस्पताल में उसका इलाज हो रहा है। जो जानकारी आई है उसमें कथित तौर से उसने पुलिस पर कुछ आरोप लगाए हैं, लेकिन ये उतना ही सत्य है कि एक गंभीर मामले में उससे और उसके साथ साथ बहुत सारे अन्य संदेहियों से बातचीत की जा रही थी। अगर उनको किसी प्रकार की शिकायत थी किसी अधिकारी विशेष के खिलाफ में कि उनके द्वारा अगर किसी तरीके की प्रताड़ना की जा रही हो, ये थर्ड डिग्री अपनाया जा रहा है, उसे शिकायत उनको करना था, ये तरीका उचित नहीं है। और मैं विश्वास करूँगा जल्द स्वस्थ होकर के बाहर आएँ, और जब भी जो है ना मामले में आवश्यकता होगी हो सकता है उनसे और पूछताछ की जाए, दूसरे लोगों से पूछताछ की जाए। एक सुसाइडल, अब वो जो बताते हैं उनके ऊपर है, लेकिन दूसरा पक्ष भी लिया जाएगा। आप अगर कोई आरोप लगा रहे हैं तो उस आरोप के पहले जो है ना आपको यह रखना चाहिए, अपना पक्ष भी रखना चाहिए, शिकायत करना चाहिए, क्योंकि यही बाजू में थाना है, उनको यहाँ शिकायत कर देना था, नहीं किया गया, कभी भी किसी भी स्टेज में कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसी बात पाई जाएगी तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। चूँकि ये देखिए अभी ये चीज़ें हैं, अभी ना हमने वो सुसाइडल नोट को देखा है और ना उस पर मैं अभी चर्चा करना चाहता हूँ। अगर किसी उस पर आरोप लगाया है तो उसको उसकी शिकायत करना चाहिए, हम उसकी जांच जरूर करेंगे, लेकिन सिर्फ इसी बिना पर कि जो है ना सबका वो करके कर लेंगे भी ठीक नहीं है।